उनको एक बाजार मिलता है मार्केट। अगर हम हार्डशिप डाल दें, हम कठोर और महंगा सामान को और लागत अगर हम कम किए बिना लागत को ध्यान में रख के अगर हम महंगा सामान को करते हैं तो आपको कंज्यूमर्स नहीं मिलेंगे, चंद लोग भी मिलेंगे और उसमें भी तरह तरह के कंपटीशन होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के का भी समाज के प्रति दायित्व होता है। जो कॉरपोरेट सेक्टर है सोशल ऑब्लिगेशन उनका दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है, दोनों का कॉमन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भारत जैसे देश में हमारा जो देश जिसकी जनसंख्या गरीबी और गुर्बत गारद इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, लागत ज्यादा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स है उसका जेब अलाउ करता है कि नहीं, एफोर्ड कर सकता है कि नहीं, खरीद सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हम नहीं ध्यान में रखते हैं तो फिर हमारा प्रोडक्शन हैम्पर करेगा और जंग लगेगा उन तमाम सामानों में। इसलिए लबो लबाब रेलवे पर बोलने के पहले मैंने उचित समझा कि मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूं कि जो हमारी प्रतिबद्धता है संविधान के प्रति और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हमारी है उसका हमको अक्षरशः पालन करना है। हाँ, हम जरूर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिसका क्रिटिसिज्म होता है, जैसे मिड डे दिन में बच्चों को भोजन देने का, गरीब बच्चों को, ताकि एजुकेशन प्राप्त कर सके। बहुत सारी है जिससे हमको कोई रिटर्न नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे हमको रिटर्न होगा। हम देश के बच्चों को साक्षर बनाने में, लिटरेट करने में, अब उनको हम तैयार करते हैं कि पढ़ लिख करके वो तैयार हो जाएं और जानकारी हासिल करें तो वो देश के एसेट हैं, संपत्ति कल तक वो प्रॉपर्टी के रूप में हम उनको हम अपनाएंगे और मानते हैं। इसलिए फालतू की बातें नहीं होती है, ज्यादा कदा लोग इसको क्रिटिसिज्म करते हैं। अब बहुत सारी बातों को, अब जैसे रेल बजट, रेल का जो हालत भाई प्रभु चावला जी ने आपको विस्तार से बता दिया, मेरा काम हल्का किया इन्होंने, पहले ही सारी चीजों को अब जानते भी आप हैं। ये जो भारतीय रेल है इसका इतना बिग नेटवर्क है हमारा भारतीय रेल का, लगभग 14 लाख कर्मचारी इसमें हैं, कर्मी हैं, और हम 11,000 गाड़ी रोज चलाते हैं, ट्रेन हम चलाते हैं 11,000, और लगभग 1.5 करोड़ पैसेंजर को हम ढोते हैं, प्रत्येक दिन ढोते हैं। लेकिन ये जो भारतीय रेल है, कल तक घाटे का सौदा बना था, भारतीय रेल का पोजीशन बहुत बदतर था, ऐसे जाल में फंसा था कि डिविडेंड देने की स्थिति में भी ये भारतीय रेल नहीं था। भारतीय रेल बिल्कुल कंगाल और लाचार होकर के सरकारों को, सरकार को उस समय के सरकार को, एक डॉक्टर राकेश मोहन जी की अध्यक्षता में एक स्टडी करने के लिए उन तमाम शर्तों को रखा गया जिसमें प्राइवेट करण के तरफ भी इशारा था। राकेश मोहन कमेटी के सामने पूरे ठोक ठेठा करके डॉक्टर राकेश मोहन कमेटी ने जो समिट किया रिपोर्ट, उसमें उन्होंने माना, स्वीकार किया कि बिल्कुल ऋण के जाल में, ये दलदल में फंसा हुआ ये भारतीय रेल जो हमारा लाइफ लाइन है कंट्री का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की उपेक्षा इग्नोर करना ये देश के लिए बड़ा भारी खतरनाक बात सिद्ध हो रहा था। तो उन्होंने कई सुझाव दिया और सुझाव देने के बाद उन्होंने माना, मैं किसी के ऊपर अलेज में नहीं करता हूं, तो उन्होंने इसको माना कि इस दलदल से भारतीय रेल को निकालने के लिए एक तरफ रेलवे बोर्ड को डिजॉल्व कर देने का और रेगुलेटरी कमीशन अलग बनाने की बात उन्होंने कही, कर्मचारियों की छटनी की बात उन्होंने की, और प्रत्येक रेलवे बजट में 20-30% इंक्रीज अगले कई एक वर्षों में उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे में भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इस गैप को पूरा करने के लिए। हालत ऐसी हो गई थी भारतीय रेल का
कि डीआरएफ के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इस रेल का जो आज हम 20,000 करोड़ का जो सरप्लस अर्न किया है, अपने लागत को घटा के 80 पर ला करके, खर्चों को कटौती करके, लागत में भी हमें कमी करनी पड़ी, जो बोनाफाइड लागत है उसको हम खर्चा करेंगे। तो भारत सरकार को से कर्जा लेना पड़ा था डीआरएफ में, री इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि एसेट को फिर हम उसको कैसे ठीक ठाक करें। तो भारतीय रेल हमारा जो लाइफ लाइन है, जो आम आदमी भारत का जब बैठता है ट्रेन में तो लगता कि ये पूरा भारत इसमें गुजर रहा है, तो इसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत खराब। और मैं तो नहीं था उस समय सरकार में, हम लोग बाहर में थे, लेकिन पूरे कर्मचारियों की छटनी, पदों को समाप्त किया जाना, ये भी अनुशंसा में था। डॉक्टर राकेश मोहन कमेटी की छटनी करो, निकालो कर्मचारियों को, और समय पर लोगों को ना तो बोनस ना कोई फायदा, कोई चीजें नहीं थी। तो पूरे भारतीय रेल में एक निराशा का वातावरण था। एम्प्लाई बिल्कुल उनके बीच में संतोष फैला था कि मेरी नौकरी इसमें रहेगी या नहीं रहेगी, या निजी हाथों में ये भारतीय रेल चला जाएगा। तो मैं आया, मुझे मौका मिला, और रेल मंत्री बनने का मौका जब मिला तो मेरे मन में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि रेल डिपार्टमेंट हमको मिले। मैं हर फोरम पर मैं बोलता हूं, मैंने आग्रह किया था कि होम डिपार्टमेंट हमें मिले या नहीं तो डिफेंस हमको दिया जाए, लेकिन कुछ लाचारियां हुई नेतृत्व वर्ग के सामने। लोगों ने कहा कि रेल को आप चलाओ, रेल को बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। क्योंकि हमारे पहले एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, सब कुछ करने के बाद भी, तो मेरे मन में डर था, भय था कि रोज बदनामी होगी और रोज पार्लियामेंट को हमको फेस करना पड़ेगा, और डेली रिजाइनेशन की बात उठेगी तो फिर रिजाइन भी करना पड़ेगा हमें। लेकिन हमने हिम्मत बांधा और रेल भवन में, चूंकि हम लोग आते हैं गांव से, खेत से, खलिहान से, डेमोक्रेसी की जो रूट है इंडिया में, भारत में बहुत डीप है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो हम कहीं न कहीं हरवाहा चरवाहा ही रहते, यहां हम नहीं होते, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं होती, और मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। तो डेमोक्रेसी के नाते वजह से हम यहां, हम तमाम भारत के जो लोग हैं, जो आम आदमी भी सत्ता के शस्त्र पर आके बैठते हैं, ये डेमोक्रेसी का कमाल है। हमने ये फैसला लिया, हमने महसूस किया कि गरीब आदमी पर अगर भाड़ा बढ़ा दिया जाए तो इससे हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। हमने सभी रेल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को, मैं जानता हूं, सबसे पहले हमने ये रेल भवन में यही संकल्प लिया और यही संकल्प बताया लोगों को कि ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड द विजन, अगर ईमानदारी और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और विजन नहीं है, अगला हमारा 20 साल का ध्यान हम नहीं रखते हैं कि फ्यूचर में हमको कितना लोको चाहिए, कितना कोच चाहिए, हम भारतीय रेल को किस दशा और इसको क्या दिशा हम देना चाहते हैं, तो तीन बातों को हमने लोगों के सामने रखा। और हमने कहा कि भाड़ा नहीं बढ़ाना है, भाड़ा को और कम करना है, और एक रुपया भाड़ा हमने कम किया। पूरा सबर्बन ट्रेन जो मुंबई में लगभग 60-70 लाख रोज लोग लोकल ट्रेन हम ढोते हैं, घाटा में पहले से भी हम वहां हैं, 3-4-5 रुपया ही लगते हैं प्रति पैसेंजर को, उसमें भी एक रुपया हमने कम किया। और कलकत्ता में सबर्बन ने कम किया, 90% पैसेंजर लोकल पैसेंजर जो होते हैं पैसेंजर गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, वहां भी हमने कम किया, और मालगाड़ी के भाड़ा में भी हमने कमी की। और कमी करने का हमने रेल बजट जब पेश किया तो लोगों को, और सबसे पहले हमने ये भी कहा कि भारतीय रेल को हम प्राइवेट दिशा में नहीं ले जाएंगे, ये निजी हाथों में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये सबसे बड़ी जो संबल है, जिस संबल को हमने माना है, इम्प्लाई को 16 लाख, गैंगमैन, कीमैन, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन मास्टर, गार्ड, ऑफिशियल्स,
जो कल तक लोगों को उनको भरोसा नहीं था कि हमारी रोटी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उनको हमने भरोसा दिलाया कि हम एक परिवार के रूप में, एक फैमिली के रूप में हम हैं और हम देखते हैं, और कंधा से कंधा मिला करके जिनको छांटने की बात हो रही थी उनको एश्योर किया कि किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है और आगे बहालियां जारी रहेगी और रिट्रेचमेंट किसी का होने वाला नहीं है और न होने देंगे। प्राइवेट सेक्टर में हम जो कोर सेक्टर है हमारा भारतीय रेल, इसको हम उसके पक्षधर नहीं है और नहीं होने देंगे। तो कंधा से कंधा मिला करके जिनको छांटने की बात हो रही थी उनको हमने संबल, जैसे लॉर्ड कृष्णा ने इस उंगली पर पर्वत को उठाया था तो हजारों हजार लोगों का वो गिरधर कहलाए लॉर्ड कृष्णा पर्वत को उठाए थे, लेकिन उनको हजारों हजार लाठीधारी भी जो ग्वाले थे, चरवाहे थे, उन लोगों ने भी लाठी का सहारा दिया था। तो जो टर्न अराउंड हुआ है भारतीय रेल का, तो हमारा सिर्फ मेरे अकेले रहते हुए नहीं, हमने एक दिशा निर्देशन दिया और हमने कहा कि चोरी नहीं होना देना, ये एवेजन को रोकना है। एवेजन रोकने का फल मैं कई ट्रेनों को डाइवर्ट करके वेविंग मशीन पर लिया के रेलों को वेट किया और हमने काफी अंतर पाया। हमने कुछ कर्मचारियों को, अफसरों को दंडित किया और हमारा एवेजन रोकने से, और जो हमारी जो कैपेसिटी थी जो लदान करने का उस समय डब्बों में, उतना लदान होते थे, कमोबेश होते थे, लेकिन उनका चार्ज कम लिया जाता था, चार्ज कम दिखाते थे। तो गाड़ियों में केविंग करने से, दंड देने से, लदान को और हम इंक्रीज जब हमने किया और 7 दिन लोडिंग अनलोडिंग में लगते थे गाड़ियों के, इसको हमने 5 दिन किया, तो ये 2 स्टेप 3 स्टेप उठाने से 10,000 करोड़ हमारा ये जो पैसा है आगे हमारा ये जंप किया। वही नहीं, हमने लागत खर्चा में कमी की और हम विगत वर्ष जो वित्तीय फाइनेंशियल था उसमें 13,000 करोड़ का सरप्लस था और इंटायर डिविडेंड हम क्लियर करके और देते जा रहे हैं, जितना हमको सरकार से उतनी जितनी सहायता होनी चाहिए हमारे और डेवलपमेंट के लिए उतना हमको नहीं मिल पाता है, हमारा प्रयास रहता है। हम जब बजट इस साल पेश कर रहे थे तो जो बॉन्ड फ्लोट करते हैं हम दुनिया में, संसार भर में जो बॉन्ड फ्लोट हमने किया और कॉरपोरेट हाउस वाले लोग भी किए, रिलायंस भी किया, इंडियन रेलवे ने भी किया, तो ये जो बजट जो हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया उस बजट को अमेरिका जैसे देशों में और विदेश में अखबारों में विस्तार से बातें छपी थी और हमको विद द कंपेरिजन ऑफ द अदर कॉरपोरेट हाउस हमको जो इंटरेस्ट का रेट है इंडियन रेलवे को, जो हमको बॉन्ड में जो ऋण में हमको मदद मिला, तो इंटरेस्ट बहुत कम हमको इंडियन रेलवे को रिड्यूस करके दिया। और चूंकि विश्वास है दुनिया भर में इंडियन रेलवे के प्रति, तो हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ये हमें हम इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं हम अपने इंडियन रेलवे के लिए। तो ये सब जो स्टेप इस साथ 20,000 करोड़ हमारा जो सरप्लस हुआ, इस साल भी हमने भाड़ा में फिर 1 रुपया कमी कर दिया, और 1 रुपया कमी करने के अलावे हमने सभी क्लासों में एसी हो, 3 एसी हो, फर्स्ट क्लास एसी हो, नए डिजाइन का हम कोच बनाने जा रहे हैं, 2,500 कोच हम प्रत्येक वर्ष निर्माण कराएंगे। और उसमें ये जो लोग फर्स्ट क्लास में जाने वाले, 2 एसी में जो जाने वाले जो पैसेंजर हैं उनका भी ख्याल हमने किया, उसमें भी हमने कमी की। ये जो वुड है, वुड सीट पर लकड़ी के सीट पर जो गाड़ियां जिस पर पैसेंजर बैठते थे उनको कुशन 2 इंच गजेदार कोई चार्ज न लेकर के, ताकि काठ युग से हम गद्दा युग पर पहुंचा बैठाना चाहते हैं अपने देश के जो गरीब पैसेंजर हैं। फुली एयर कंडीशन गरीब रथ हमने चलाया, राजधानी टू राजधानी, और उसमें हमने काफी 33% 3 क्लास स्लीपर का हमने भाड़ा रखा है। तो हमको इसमें अचीवमेंट है, हम फुली एयर कंडीशन गाड़ी चला रहे हैं, भाड़ा में हम कमी कर रहे हैं, तो फ्रेट का जो पैसेंजर फ्रेट से हमारा 14% हमारा लाभ हो रहा है, और गरीब रथ में तो
और ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ हो रहा है। और गाड़ियों में हमने लोग जो क्रिटिसाइज करते थे कि भाई भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हो तो रेल कैसे चलाओगे, तो हमने गाड़ियों का जो हमारा ट्रेन है जो 13 डब्बों की गाड़ी चलती थी 24 किया है हमने। हम अननेसेसरी फ्यूल 13 डब्बों को ही खींचने में हम व्यतीत करते थे, तो हम 24 कोच की गाड़ी और ह्यूज ट्रैफिक है, ह्यूज पैसेंजर है। विद द कंपेरिजन ऑफ दी अब्रोड मैं यूरोपियन कंट्री में मैं गया था, गाड़ियां मैकेनाइज है, सुंदर है और ड्राइवर सिर्फ बैठे रहते हैं, कंप्यूटराइज है उसमें और सिर्फ बटन को दाबते, लेकिन पैसेंजर बहुत कम है विद दी कंपेरिजन ऑफ दी हमारे जो रेल। आज भी लोकप्रिय गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़ रही है कि गाड़ी, चूंकि एग्जिस्टिंग लाइन जो है इंडियन रेलवे का ये सैचुरेटेड हो गया है और कंजेशन ज्यादा है। जिस इंडियन रेलवे को हम जर्सी गाउ और अर्निंग हॉर्स कहते हैं, तो ये जो हमारा कमाऊ घोड़ा है गुड्स ट्रेन, इसको लूप लाइन में हम डालते हैं, ठहराव कर देते हैं और देश के ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, व्यापारियों को हमने अपने व्यापार को बढ़ाया, लागत को हमने घटाया और पैसेंजर से लेके देश के पैसेंजर, देशवासी और व्यापारी और कर्मचारी, ये सारे लोग आज खुश हैं और चारों तरफ मैं अपनी प्रशंसा करना मैं नहीं चाहता। अकेले रेल पर मैं दौड़ रहा हूं लगातार, हमारा जो विजन है अभी हमको लोको का फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लोको, डीजल लोको, अपने पॉल्यूशन रहित हमारा, पर्यावरण रहित हमारा इंडियन रेलवे रहे और देशवासियों को लाभ हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। बहुत सारा माल अभी 60% गुड्स जो है पीसमिल गुड्स बाय रोड जा रहा है, पीसमिल गुड्स, तो इससे हमको शिफ्ट करना है अपने इंडियन रेलवे में। और एंटी फ्लो डायरेक्शन में भी इस साल गुड्स ट्रेन में हमने 43% हमने रिबेट दिया है पीक और नॉन पीक सीजन में, ताकि व्यापारी लोग लाभ इसका उठा सकें। और पीस मिल गुड चूंकि बाई रोड जाने से ट्रकों से माल जाने में ये पूरा डीजल का ये पूरा पोल्यूटेड हो रहा है, तो इसको हमको समाप्त करना है। ये हमारा विजन है, लोको कोच और कपलर से लेकर के हर चीज हम पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हमने स्वीकार किया है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लालू जो कल तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाने देंगे भारतीय रेल को, अपने का अंधाधुंध हम नहीं जा रहे हैं, पीपीपी का नाम अब हम सोचते हैं बदल देना चाहिए। प्रभु भाई, हम भोजपुरी भाषा भाषी लोग, बच्चा जब रुठता है छोटा बच्चा तो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं पीपी पी मैंने पियो पी 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 पियो, अब हम ये पीपीपी पिला नहीं रहे हैं, हम पीपीपी प्रोजेक्ट में लोगों से पैसा ले रहे हैं, हम उनका पार्टिसिपेशन हम उनसे लेकर के और दो पैसा उनको भी फायदा हो, और सोल सेक्टर जो हमारा इंडियन रेलवे है इसको हम भारतीय रेल के हाथों में हम थर्ड लाइन डालने जा रहे हैं, थर्ड लाइन लुधियाना टू हावड़ा कवरिंग ऑल पोर्ट्स ऑफ दी कलकाता इंक्लूडिंग हल्दिया पोर्ट एंड इम्पोर्ट। देश के अभी हाल ही में वर्ल्ड यूआईसी के देखरेख में दुनिया भर के परसों लोग जुटे थे, डेलीगेट्स एक्सपर्ट, ये जो ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को कैसे हम लोग देश और विदेश में क्या रास्ता कैसे अपनाया जाए, मैं उसका उद्घाटन किया था। तो पोर्ट तक हमको ले जाना है, फर्स्ट फेज में फाउंडेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लुधियाना से लेकर के पूरा कलकत्ता हल्दिया और कवरिंग झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एरिया ऑफ द झारखंड, और वेस्टर्न कॉरिडोर में हम दिल्ली टू मुंबई ले जा रहे हैं, हम फाइनल स्टेज में हम हैं और जल्दी हम इसको पीपीपी में हम इसको देने वाले हैं, इसको देंगे हम। इसका यह मतलब नहीं कि हम रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते जिन चीजों को और जो कुछ साथी होते तो उसकी लोग आलोचना करते, लेकिन हम अपने पैरों पर भी खड़ा होकर हमें निवेश मदद करने के लिए इसमें काफी लोग देश और प्रदेश से लोग खड़े हैं। सेकेंड फेज में हम
हमारा योजना है कि मुंबई टू चेन्नई एंड चेन्नई टू हावड़ा ये पूरा कॉरिडोर करने से जो एग्जिस्टिंग लाइन है हमारा भारतीय रेल का जो काफी सेचुरेटेड हो गया है, इस प्रेशर को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं थर्ड लाइन पर। उसमें डेडिकेटेड सिर्फ ट्रेन चलेगी और पैसेंजर राजधानी एक्सप्रेस जो एग्जिस्टिंग लाइन है उस पर चलेगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इससे हमारी दोनों सेक्टर से ये मिराकल होने वाला है। और अभी तो लोग पूछते हैं कि लालू तुमने क्या जादू किया, हमने कहा जादू आपने देखा अभी टोना बाकी है, तो जादू टोना तो हो गया है, जादू टोना अभी हो गया, अब इंद्रजाल का खेल बाकी है अगले वर्ष में, इंद्रजाल का ही खेल होता है वो भी आने वाला है। देश प्रदेश हार्वर्ड के हमारे बच्चे, IIM अहमदाबाद के, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, चारों तरफ जो लोग कल तक बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी के साथी गए थे हमसे इंटरव्यू लेने कि व्हाट योर आइडिया अबाउट द IT, हम कहे व्हाट IT, मैंने कहा था व्हाट IT, तो उन्होंने लिखा कि IT के विषय में हमको बताओ भाई क्या है, IT क्या है, हम तो गाय भैंस चरा के आए, तो बोला कि लालू यादव को इनकम टैक्स नजर आ रहा है, हम कहे इनकम टैक्स नहीं, हमने कहा कि हाथ हमेशा जीता है और मशीन हमेशा हारा है। जो प्रदेश में जो चुनाव हुआ था अमेरिका में, तो ये जो कंप्यूटर है वो गड़बड़ कर रहा था, मैनुअली रिजल्ट दिया वहां पे, तो हम विरोध में नहीं है, हम नई जो तकनीकी है टेक्नोलॉजी है इसको हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर है और जगह भी हम जो भीड़ भाड़ रहती है हमारे भारतीय रेल के पाइपलाइन स्टेशनों में टिकट के लिए, उसमें भी हम सुधार कर रहे हैं। तो नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हम करेंगे और निकट भविष्य में भारत में हर आदमी को एक रेस्पेक्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन और लोएस्ट सीट पर भाड़ा उनको ट्रेवल कराने का मतलब ये था कि ये भारत के हमारे उन्हीं के वोट से हम आते हैं और इनका एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हर आदमी चाहता कि हम भी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, हम भी प्लेन में ट्रेवल करें। अगर हम ऐसा इंतजाम पॉपुलिस्ट जिसको आप कहते हैं कि लोक लुभावना लोग ही लोग नारे लगाते हैं और कार्यक्रम देते हैं, अगर हम उनके जेब को और उनके वेलफेयर को और अपने सोशल ऑब्लिगेशन को हम ध्यान में रखते नहीं रखेंगे, हम कॉमन पीपुल को ध्यान में टारगेट करके नहीं रखेंगे, तो फिर हर आदमी को धोखा खाना पड़ेगा। यही कारण है मैंने महसूस किया कि जगह जगह असंतोष फैलता, एम्प्लॉय में असंतोष फैलता, गरीबों में असंतोष फैलता, तो हमको उनके जेब को ऐसा बना। अभी हम एग्री, ये भारत कृषि प्रधान देश है, अगर हम किसान की आमदनी को हम ध्यान में नहीं रखेंगे और उनका जेब गर्म नहीं होगा, तो लाख इन्वेस्टमेंट हो जाए भारत में और जितने भी फैक्ट्रियां हो जाए, लाख हम लोग विरोध करते हैं, SEZ का विरोध करते हैं, या हम तो हैं कि बंजर जमीनों में आप लगाइए जहां कृषि का नहीं है, करना चाहिए उस सब क्षेत्र में, तो अगर आम आदमी की आमदनी को ध्यान में रखते हुए हमने नहीं सोचा, तो कॉरपोरेट हाउस क्या, सरकार के भी जो डिपार्टमेंट है बहुत सारा कोलैप्स करेगा, क्योंकि मार्केट के मार्ग में। तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे पास 7,500 रेलवे स्टेशन है, 7,500 रेलवे स्टेशन, हम सबसे बड़ा लैंड ऑनर हम हैं, लैंड लॉर्ड है इंडियन रेलवे, इतना हमारे पास सरप्लस लैंड है नेक्स्ट टू डिफेंस या बराबरी डिफेंस के हम करते हैं। तो इसमें बहस होती थी कि अनयूज जमीन को आप बेचते क्यों नहीं हो, इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं करते, तो हम बजट होटल जहां बना रहे हैं वहीं हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने जा रहे हैं जो विदेशों में हमने देखा है, इससे हमारी और कायाकल्प हमारे भारतीय रेल का, और किसान जो है फार्मर जो है उसका जेब, उसका मार्केट, वेयर इज ए मार्केट ऑफ द फार्मर, नोइल्स कहीं भी नहीं है। अब जो किसान जो प्रोड्यूस करता है, टोमेटो है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है, ग्रेन है, सामान है, दिल्ली में सब्जी बिकता महंगा और पटना में सब्जी मिलता सस्ता, बहुत सारे राज्यों में इसका सिटी हो जाती है और प्रदेश में और खास करके गल्फ कंट्री में ऑनियन है, वेजिटेबल है, भारत का जो सब्जी है इसकी काफी मांग है बाहर में, लेकिन देयर इज नो मार्केट ऑफ द फार्मर। तो फार्मर अगर अपने प्रोड्यूस को फर्टिलाइजर दे करके
इलेक्ट्रिक में खर्चा करके अब मजदूर को मेहनत करा के आज जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जिसे हम खाते हैं, जिसे खून बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जूता है, शू है, चप्पल है, जिस जो पैर के नीचे रहता, पैर के नीचे हम पहनते हैं, ये कहां बिक रहा है? एयर कंडीशन शोरूम में। और जो अन्नपूर्णा है, साग है, सब्जी है, अनाज है, वो फुटपाथ पर, जिससे हमारा मन मिजाज बनता। तो हमको इनका हमको रेस्पेक्ट करना है, इसलिए फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो हम लीज पर जमीन दे करके सारे रेलवे स्टेशन पर देश के हम उनका एयर कंडीशन वो बना लें, कोल्ड स्टोरेज, और वहीं पर पैकेजिंग, और सब उस एरिया के फार्मर अपना सामान लाके वहां बेचे। हम परचेज कॉरपोरेट हाउस भी आ सकते, हम ज्वाइंट वेंचर में भी करेंगे। हम इसको फाइनल स्टेज में हम हैं, और हम उनका सामान का पैकेजिंग करके हम पोर्ट के माध्यम से एयर कंडीशन फ्रिज कंटेनर सर्विस हम दे करके हम जहां तहां पहुंचा के उसकी जब इकोनॉमी इंडियन फार्मर की ठीक होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, जो ग्लोबलाइजेशन युग में हम गए हैं या जो हम पूंजी खर्चा यहां कर रहे हैं तो रिटर्न भी होना चाहिए। तो वेयर इज ए मार्केट, देयर इज ए नो मार्केट, तो उनको हमको ध्यान में, चूंकि उनका भी अब ये चीन जैसा देश दुनिया के मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ ये सामान चीपर रेट पर मिल रहा है, लागत वो कम कर रहे हैं, तो अब उनका बाजार बढ़ रहा है। तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा कंज्यूमर होंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। और आज जाए बाजार में, मार्केट में, तो चीन का सामान, चाहे वे रेडी ये बैटरी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सारा लोग प्रेफर करके चीन से सामान, उनके बना हुआ मेड इन चाइना, और बाहर में भी, अमेरिका में भी मैंने सुना है। मैं तो सामान खरीदने जाता मैं नहीं हूं, और न मुझे हैंडल करने आता है मोबाइल फोन वगैरह, लेकिन ये मार्केट, तो आम आदमी को ध्यान में, कॉरपोरेट सेक्टर को भी, आम आदमी को सोशल ऑब्लिगेशन आपका भी है और सरकार का भी है, और फिर हमारा भारत का जो मैंडेट है, हमें जिस डेमोक्रेसी में जिनके वोट से हम आते हैं, तो उनके लिए ये हमको ये राहत देना, उनके हार्डशिप को देखना और उनको कंज्यूमर बनाना। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रेलवे को प्रेफर करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये और हम फैसिलिटीज को हम बढ़ा रहे हैं, और आगे टर्न अराउंड हमारा काफी होगा। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, और वर्ल्ड क्लास स्टेशन, एग्री मार्केट, उनका सेल सेंटर, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी समस्या है, ह्यूज जो मैन पावर है हमारे पास, ये जो मैन पावर है इंडिया में, इनको जॉब भी हमको देना है, इनको जॉब देना है। तो ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर दुनिया भर में इंडियन रेलवे है, तो हम अपने बैकलॉग को से लेकर के सारी बहालियों पर हमने कोई रोक नहीं लगाई है, और इसको हम आगे इन चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो देयर इज नो प्लेस बिटवीन की पॉपुलिस्ट जो स्टेप्स होते हैं वो बेकार नहीं जाए, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि ड्यू टू करप्शन और इनएफिशिएंसी ये चीजें बहुत हद तक क्रिटिसिज्म का पात्र बनना पड़ता है। तो आदमी जन्म लिया है, आदमी को जाना है, तो हम इंसान हैं, तो जो मिनिमम नीड है, जरूरत है, हम लोग सुनते थे बच्चे थे कि ये साधु फकीर संत लोग घूमते थे, गाते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, माने हमको प्रभु इतना ही दो कि मैं भूखा नहीं रहूं, मेरा कुटुंब परिवार भूखा नहीं रहे, और मेरे दरवाजा से कोई गरीब आदमी, साधु संत फकीर भूखे नहीं लौट जाए, उतना ही हमको दीजिए। ये जो भारत है, जिस भारत में हम रहते हैं, जो ये हमारी धरती है भारत की, जो हमको जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, एजुकेशन, तो भारत की जो भूमि है, ये जो मिनिमम नीड है मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, ये धरती हमको देती है, लेकिन लालच का इंतजाम नहीं है। आज तमाम जो गड़बड़ियां हैं या जो
कुलप्स कर जाते सब लोग, उसके जड़ में है कि हर आदमी होर्डिंग करना चाहता है। हर आदमी की मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो और लेकर अब तो लेकर से ऊपर नहीं जाएगा। हम बोलते हर आदमी को जानना चाहिए हम लोग कि बहुत जुगत से ह्यूमन बींग में जन्म लेता है, आदमी जन्म इंसान लेता, मनुष्य बनता है, कितनी जोनी में गुजर के जो हमारी मेथोलॉजी है रिलीजन में, तो हमको अच्छा काम करना चाहिए, वेलफेयर के काम में रखना चाहिए, अपने मुट्ठी को बांध के नहीं रखना चाहिए, मुट्ठी को खोलना चाहिए। और हम आए हैं, हमारा जब जन्म हुआ है हर इंसान के, ले लेंगे भैया हम, तो हमको निश्चित रूप से ये धन ये संपत्ति ये कौन लेके जाएगा ऊपर। आदमी जन्म लिया है तो वस्त्र के साथ तो जन्म नहीं लिया, मुट्ठी बांध के लिया, रोते हुए आया, क्या क्या करके आया, और जाएगा तो हाथ पसारे चला जाएगा। जिस दिन मरेगा उस दिन सब आदमी घर का भी लड़ाई करेगा कि कौन जलाएगा, कौन क्लेम, कौन दावेदार होगा, फादर चले गए, मित्र लोग जुटते, क्या हुआ था, तो ये बीमारी हुआ था, क्या उम्र था, तो 70 हो गया था, तो लोग बोलते हैं अब तो उम्र भी हो गया था। तो हमको हम लोग को आखिर स्पाइट अब हम लोग मनुष्य हैं और अच्छा काम करना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। और मैं जो रेलवे में जो मैंने स्टेप लिया है, मैं जानता हूं कि जो लोग हमसे नाराज होते हैं, कितना भी हम राहत का काम करेंगे तो वोट नहीं देते, तो इसका तो परवाह हमें करना नहीं है, हमें राहत देना है लोगों को और भारत को और देश को आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से आप सभी को मालूम है कि अनकॉल्ड फॉर अननेसेसरी 40 लाख रुपये का एलिगेशन पूरे लाइफ का हमारे ऊपर चल अचल संपत्ति का डीए केस हुआ, जिसमें हमें जीतना पड़ा। लेकिन इन होटलों में कोई फंक्शन होता है, एक रात का जो अगर फंक्शन हुआ उसमें इंक्लूडेड लाल पानी भी रहता है, रेड पानी, लाल पानी, तो एक दिन का आप खर्चा देखिए कि लोग कितना खर्चा करते हैं। हमारा चल अचल संपत्ति पूरे जीवन का वो उसमें हम जीते, लेकिन लोगों ने कहा लालू खा गया खा गया खा गया, ट्रेजरी खा गया, कहाँ खा गया, इंटरपोल लगाया, मशीन लगाया, घर को रेड किया, चीता पर जैसे जलते हम लोग। लेकिन मैं परवाह नहीं करता, मेरे जगह पर दूसरा नेता होता तो कभी हार्ट फेल करके ऊपर चला गया, तो मैं हंसते रहता हूं, रिलैक्स करते रहता हूं। अब मैं ये भी कहते रहता हूं कि धरती फट क्यों नहीं जाती है, सब लोग उसी में चले जाएं।